रश्मि देसाई ने सिद्धार्थ की निजी जिंदगी का खोला राज कहा, सेट पर गंदी तरीके से लड़ाई झगड़ते होते थे। नमस्कार, बिग बॉस 13 के इस बार के वीकेंड के वॉर में सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई के बीच जबरदस्त झगड़ा देखने को मिला। उसके बाद सलमान खान ने दोनों की क्लास लगाई। उसके बाद रश्मि अरहान के साथ बैठकर सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में बहुत से खुलासे करती हैं। रश्मि और सिद्धार्थ कलर्स चैनल के ही शो दिल से दिल तक में साथ नजर आए थे। सीरियल के दौरान भी दोनों के बीच विवाद थे, उसी का जिक्र रश्मि ने किया था। सोमवार को जो एपिसोड प्रसारित हुआ था उसमें रश्मि अपने बॉयफ्रेंड अरहान खान के साथ बैठी होती हैं। अरहान से रश्मि कहती है कि सेट पर बहुत ही गंदे तरीके से लड़ाई झगड़े होते थे। रश्मि ने कहा कि प्रोडक्शन हमारे झगड़े से इतना परेशान हो चुका था कि हम दोनों में से किसी एक को निकालना चाहता था। मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, लेकिन उसकी हरकत इतनी गंदी थी कि उसको निकाला गया। रश्मि ने कहा कि सिद्धार्थ को दो बार शो से निकाला गया था। इसके बाद अरहान रश्मि से पूछते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हें निकाला गया था। इस पर रश्मि कहती है कि ऐसा नहीं था। इतना ही नहीं, रश्मि ने ये भी बताया कि सिद्धार्थ ने अपने किसी को स्टार के साथ मारपीट भी की थी, उसकी वजह से भी बहुत नाटक हुआ था। रश्मि मेकर्स के लिए कहती है कि ये लोग एक लड़की के पीछे पड़ गए हैं कि उसे गलत दिखाना है और एक ऐसे नकारे आदमी को हीरो बनाना चाहते हैं। आपको बता दें कि शनिवार को प्रसारित हुए एपिसोड में सिद्धार्थ और रश्मि के बीच की बहस हाथापाई में बदल जाती है। रश्मि पहले सिद्धार्थ पर चाय फेंकती है, जिसके बाद सिद्धार्थ ने भी रश्मि के मुंह पर चाय फेंकी। अरहान बीच में आकर सिद्धार्थ पर चाय फेंकते हैं तो सिद्धार्थ ने उनको पकड़ लिया। इसी दौरान अरहान की शर्ट फट गई थी।